प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंची, जहां हरचंदपुर ब्लॉक के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में निरीक्षण कर छात्राओं से बातचीत की। वहीं पूरे कार्यक्रम में मीडिया को दूर रखा गया। जैसे ही राज्यपाल कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से बाहर निकली, तभी ग्रामीणों की भीड़ देखकर राज्यपाल उनसे मिली और उनकी समस्याएं सुन ही रही थी। तभी ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, बिजली आदि की पोल खोलकर रख दी। ग्रामीणों ने राज्यपाल से गुहार लगाई कि ना तो हम लोगों को मानक के तहत बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और न ही शौचालय दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं व नहरों में पानी न होने की प्रमुख समस्याओं से भी हम लोग जूझ रहे हैं। ये सब समस्याएं राज्यपाल को जब ग्रामीण सुना रही थी, तभी वहां मौजूद जिम्मेदार आला अधिकारियों के चेहरे पर पारा बच गए। इन समस्याओं को सुनने के बाद राज्यपाल त्रिपुरा स्थित कान्हा गोवंश विहार निरीक्षण पर पहुंची, जहां गोवंशों के रखरखाव का जायजा लिया। वहीं महिला थाना पहुंचकर उसका भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के जायजे लिए। महामहिम राज्यपाल ने बच्चों से मुलाकात करते हुए बच्चों को एक निबंध दिया, जिसे पूरा करके उनके पास भेजने व बेस्ट निबंधों पर बच्चों को सम्मानित करने की भी बात कही गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है? आवास योजना हमारे यहाँ मिली है, बहुत कम। प्रधान जी समस्या बता दीजिए। नहीं, वो तो इस हिसाब से आएगा जी। हाँ जी, एक दो आए हैं आपके गांव में? नहीं इतना नहीं, जानकारी है, मैं प्रतिनिधि रहा हूँ गांव का। बोलने दीजिए आप, हमारे यहाँ मिले हैं। आप देखिए सारे पद कर लिए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है? आवास योजना हमारे यहाँ मिली, बहुत कम। प्रधान जी समस्या बता दीजिए। नहीं, वो तो इस हिसाब से आएगा जी। हाँ जी, एक दो भी आया। हाँ, एक दो आए हैं आपके गांव में? नहीं इतना नहीं, जानकारी है, मैं प्रतिनिधि रहा हूँ गांव का। बोलने दीजिए आप, हमारे यहाँ मिले हैं। आप देखिए सारे पद कर लिए हैं, ठीक है। उसकी बात है, इनके दूसरे ग्राम पंचायत है सर। शौचालय नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ मंगल है सर। केवल एक प्रॉब्लम है सर, हमारे यहाँ एक माइनर है, उसमें पानी नहीं आता। ये किसी तरह साफ करवा देते, बस पानी जाता नहीं है। पानी यहाँ आता ही नहीं साहब, आता नहीं तो किसानी के लिए। जी जी जी, कब से नहीं आ रहा सर? यही माइनर है रुस्तम का सर। कब? चाल दो चाल उधर से आता ना, नौ वाले से पानी आता। जी ये वाले कुंदन से आता, ये रामपुर से, रामपुर है नहीं, वहाँ से उसके से आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लाखों बीघे जमीन है। नहीं तो खुदवाने की जरूरत जी। हाँ, खुदवाने की जरूरत है, थोड़ा गहराई से खुद जाए सर। हाँ, तो पानी बराबर आना होगा। ये 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर जी। नहीं ज़्यादा होगा प्रधान जी, 5 है रामपुर से। आया था, और आप लोग कहाँ पर हो? हम लोग, हम एस एस पब्लिक स्कूल से यहाँ पे महिला थाना में आए हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नर आई थी, वो उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया महिला के, मतलब हम लोग अपने आप को कैसे, मतलब बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर बताए 1090 की। हम लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग उस पर कॉल कर देंगे, तो हमसे वहाँ पर नाम भी नहीं पूछा जाएगा और हम सबको हमारी दिक्कतें बताएंगे, तो उसके लिए वहाँ पे एक्शन लिए जाएंगे। और यहाँ पे अब वो बहुत कुछ बता के गई, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके। हम लोग ने यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष देखा, वहाँ पे बताया कि उस कंप्यूटर पे सारी FIR रिकॉर्ड होती हैं। अब उन्होंने कहा है निबंध लिखने को इस यहाँ के।